दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज शर्मा आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। मेरे पास कैनस्टार ऑक्सीफायर है जिसका मॉडल है एस्टर डीजी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एस्टर डीजी में जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको किस तरह से यूज करते हैं। देखिए, मैंने एस्टर डीजी ऑक्सीफायर को मेन पावर प्लग से कनेक्ट कर दिया है, स्विच मैंने ऑन कर दिया है। एस्टर डीजी का जो डिस्प्ले है उसमें आप देख पा रहे हैं एक पावर का बटन है, तो सबसे पहले हम पावर के बटन को क्लिक करते हैं। पावर का बटन जैसे ही क्लिक हुआ, यहां पे एक टेम्परेचर आ रहा है 180 डिग्री सेल्सियस और एक टाइमर आया 15 मिनट। तो 180 और 15 मिनट का टाइमर है, आप इसको यहां से टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर का है तो आप यहां से टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं। प्लस से आप टेम्परेचर ज्यादा कर सकते हैं, माइनस से आप टेम्परेचर कम कर सकते हैं। ये देखिए, तो कितना कम कर सकते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। मतलब टेम्परेचर का जो रेंज है इसमें कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा आपका 200 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए, तो टेम्परेचर रेंज है 80 to 200 डिग्री सेल्सियस है, मतलब मिनिमम 80 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम 200 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मिनट का बटन है, तो मिनट के बटन को आप प्रेस करेंगे तो मैक्सिमम मिनट जो है इसमें 30 मिनट्स और मिनिमम मिनट्स जो है आप इसमें इस तरह से 1 मिनट। तो टाइमर जो है मैक्सिमम 30 मिनट्स का है और मिनिमम जो है 1 मिनट का है। तो यहां से मतलब इस वाले बटन से आप टाइम जो है किसी भी रेसिपी का कम ज्यादा कर सकते हैं, इस वाले बटन से आप टेम्परेचर जो है किसी भी रेसिपी का उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ये जो आप एम देख रहे हैं, तो ये एम जो है बेसिकली यहां पे एम फॉर मेन्यू, जो कि आप इसमें देख पा रहे हैं 7 तरह के डिफरेंट मेन्यू हैं। ये 7 तरह के मेन्यू हैं जिनको आप इस बटन से जो प्रीसेट मेन्यू है यहां से आप इनको ऑन कर सकते हो। इस तरह से अगर मैं एम दबाऊं, एम क्लिक किया तो फर्स्ट मेन्यू ऑन हो गया जिसमें बता रहा है कि 200 डिग्री सेल्सियस। और ये देखिए, इस मेन्यू ने ऑटोमेटिकली 3 से 5 सेकंड के बीच में अपने आप काम करना भी शुरू कर दिया। अब ये जो आप यहां पे राउंड में घूमता हुआ एक पंखा सा देख रहे हैं, ये बेसिकली ये बता रहा है कि इसका जो फैन है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, फैन रहता है इसके अंदर, वो इंटरनल जो फैन लगा है वो घूम रहा है, काम कर रहा है। और इस फैन के बीच में अगर आप यहां पे देखेंगे, ये एक रेड कलर का यहां पे कुछ एक पॉइंट दिख रहा है। तो ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि इसके जो हीटिंग एलिमेंट है अंदर से वो भी काम कर रहे हैं, मतलब फैन भी काम कर रहा है और हीटिंग एलिमेंट भी काम। तो ये पहला मेन्यू है। मेन्यू के अंदर आप टेम्परेचर कम ज्यादा भी कर सकते हैं, टाइम कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देखिए। तो उसके बाद अगर आप एम दोबारा दबाएंगे तो ये दूसरा मेन्यू, तीसरा मेन्यू, दोबारा दबाया फोर्थ मेन्यू, फिफ्थ मेन्यू, सिक्स मेन्यू, सेवन मेन्यू। इनिशियली जब आप इन जो डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर जो आप ये डिफरेंट सिंबल देख रहे हैं, टच स्क्रीन है बेसिकली ये, तो टच स्क्रीन जैसे आप दबाते हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि एकदम से, क्योंकि हैबिचुअल नहीं होते हैं इन चीजों के ऊपर हम, इन चीजों को करने के लिए, तो थोड़ा सा आपका हाथ एक बार जब सेट हो जाएगा तो ये टच स्क्रीन जो है अच्छे से आपको ऑपरेट करना भी आ जाएगा। ये देखिए, एक मेन्यू, तो इस मेन्यू के अंडर जो भी टेम्परेचर और टाइम है वो अपने आप ही सेट हो जाएगा। दूसरे मेन्यू का जो टेम्परेचर है 175 डिग्री सेल्सियस है और टाइम जो है 25 मिनट का है। और दूसरे मेन्यू के ऊपर क्या है, ये हैंडल के ऊपर भी लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या इसमें बन सकता है, कौन सा है। तो ये जो है बेसिकली आपका 175 डिग्री सेल्सियस का एक मेन्यू लगा है जिसके अंदर अपने आप की टाइम है। तीसरे मेन्यू में फिर से आप देख सकते हैं यहां पे अपने आप इसने टेम्परेचर टाइम उठा लिया है। ये जो है आपका नेक्स्ट मेन्यू है जो बेसिकली तंदूरी चिकन इंडिकेट कर रहा है। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू है, तो डिफरेंट मेन्यू बटन दबाने पे आप, ये फिश का मेन्यू है, तो अगर आपको फ्राई फिश टाइप जो बनाना है, फिश को अगर आपको इसमें बनाना है तो उसका मेन्यू 175 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट वन जो है टाइमर जो है इसका, ये देखिए 10 मिनट्स। अभी सपोज आपका कोई मेन्यू काम कर रहा है और आपको लगा कि आपका जो भी सामान बास्केट के अंदर डला है उसको आप चेक करके देखना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी ऑफ करने की, कोई भी मेन्यू ऑफ करने की जरूरत नहीं, आप इसका सीधा खींच सकते हैं। तो जैसे ही आप खींचेंगे तो आप अपनी बास्केट को चेक कर सकते हैं कि क्या है इसमें।
आप उसकी कई बार खाने को अंदर से स्पैचुला के साथ उसको अदला बदली करना पड़ता है। तो अदला बदली करने के बाद फिर से आप इसको री इंसर्ट इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जहां से बंद हुआ होगा ये वहीं से काम करना शुरू कर देगा। तो इस फंक्शन को बोलते हैं ऑटो रिस्टार्ट, मतलब इसमें ऑटो रिस्टार्ट का फंक्शन भी है। जब भी आप बास्केट को बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के बाद ये ऑक्सीफ्राई काम करना बंद कर देगा। जैसे ही ये देखिए, और जैसे ही अंदर इसको रीइंसर्ट करेंगे तो ये काम करना उसी जगह से शुरू कर देगा जहां से आपने इसको निकाला होगा। ये देखिए इस तरह से। इस ऑक्सीफ्रायर में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि या तो आप प्री सेट मेन्यू के हिसाब से अपनी डिशेस बना सकते हैं, अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो आप अपनी मर्जी से भी टाइम और टेम्परेचर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए टाइम, ये देखिए। अब इसमें क्या है, एक मिनट के बाद अपने आप ही बंद हो जाएगा। जैसे ही ये एक मिनट के बाद बंद होगा तो एक बीप की साउंड आएगी। जी देखिए, और सपोज मैं इसको मैन्युअली बंद करना चाहता हूं तो मैंने इसको मैन्युअली बंद कर दिया। तो मैन्युअली बंद करने के बाद ये देखिए, मैन्युअली बंद करने के बाद ये फैन जो है 20 सेकंड तक हीटिंग एलिमेंट को कूल डाउन करेगा। और 20 सेकंड के बाद, क्योंकि अभी हीटिंग एलिमेंट काम नहीं कर रहा है, अभी जो है आपका फैन ही काम कर रहा है, क्योंकि जो रेड कलर की लाइट थी बीच में वो ऑन नहीं है। तो मतलब फैन ही काम कर रहा है और ये अपने आप ही 20 सेकंड के बाद इसको बंद कर देगा। ये देखिए बंद हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये कैनस्टार ऑक्सी फ्रायर एस्टर्ड इजी है, जिसके मैंने आपको विभिन्न जो फंक्शंस हैं किस तरह से यूज करने हैं उसके बारे में बताया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।